हेलो फ्रेंड्स इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इश्यू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 32 को लेकर के है सेक्शन 32 टू सबसेक्शन वन की एक्सप्लेनेशन फाइव ये कहती है कि यदि एससी ने डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में क्लेम किया हो या ना किया हो तब भी ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो एस को वो डेप्रिसिएशन उसको अलाउ करें दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि यदि असेसी अपनी बुक्स में डेप्रिसिएशन को क्लेम करना भूल जाता है किसी वजह से उससे रह जाता है तो क्या असेसी इस डेप्रिसिएशन को बिना रिवाइज रिटर्न फाइल किए क्लेम कर सकता है और किस अथॉरिटी के पास ये पावर है कि वो असेसी को उस डेप्रिसिएशन को अलाउ करे इश्यू हैदराबाद आईटीएटी के सामने एस पी कैपिटल आई क्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में यह इशू सामने आया और यह मैटर वन जीरो नाइन आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट फिफ्टी सिक्स पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को आया इस केस को समझने के लिए सबसे पहले फाइनेंस एक्ट एक अप्रैल दो हजार इक्कीस से डेप्रिसिएशन को लेकर के एक अमेंडमेंट आया वो ये कि यदि गुडविल किसी इंटेंजिबल ब्लॉक के अंदर है और ये गुडविल किसी बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड है तो उस गुडविल पर एस को डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि 1 अप्रैल 2021 से इंटेंजिबल असेट्स के ब्लॉक में गुडविल नहीं आएगा लेकिन उससे पहले के सालों में गुडविल इंटेंजिबल ब्लॉक में आएगा और असेसी को उस पर डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 18 19 से रिलेटेड है प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करी तो उसके अंदर असेसी ने इंटेंजिबल ब्लॉक के अंदर जो गुडविल थी उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन था वो करीबन 26 करोड़ रुपए का था जिसको क्लेम नहीं किया जब असेसमेंट प्रोसीडिंग चल रही थी तो एसएससी को यह लगा कि एसएससी से यह डिप्रिसिएशन लेना रह गया है और एसएससी assessi ने असेसिंग ऑफिसर के सामने रिवाइज्ड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम दाखिल करी जिसको ना तो असेसिंग ऑफिसर ने कंसीडर किया और ना ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल ने उसको कंसीडर किया जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल ने सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के सर्कुलर नंबर चौदह जो कि 11 अप्रैल 1955 को इश्यू किया गया था उसका हवाला देते हुए यह कहा कि सर्कुलर नंबर 14 डिपार्टमेंट के ऊपर यह ऑब्लिगेशन डालता है कि डिपार्टमेंट को कभी भी एसएससी की इग्नोरेंस का बेनिफिट नहीं लेना और यदि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर को यह लगता है कि एससी को कुछ रिलीफ देने के लिए एससी की मदद करनी है तो यह असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो एस की मदद करे इसके अलावा ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था कि जो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि यह कहता है कि कोई भी टैक्स बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो उसको लगाया जा सकता ना कलेक्ट किया जा सकता यदि उसके लिहाज से भी देखा जाए तो प्रेजेंट केस में एसएससी को डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ना देना जस्टिफाइड नहीं है और अपीलेट अथॉरिटी के पास यह पावर है कि अपीलेट अथॉरिटी एस को इस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे चाहे असेसी ने वो डेप्रिसिएशन अपनी ओरिजिनल रिटर्न के अंदर या रिवाइज रिटर्न के अंदर उसको क्लेम ना किया हो तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस केस के अंदर काफी सारी चीजें थी सर्कुलर नंबर 14 था जो कि 11 अप्रैल 1955 का था फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा जो सेक्शन 32 के अंदर बदलाव लाया गया कि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल असेट्स का पार्ट नहीं बनेगी लेकिन उससे पहले उसके ऊपर एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है और आर्टिकल 265 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि ये कहता है कि बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के ना तो टैक्स लगाया जा सकता और ना उसको कलेक्ट किया जा सकता प्रेजेंट केस के अंदर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि यदि एसएससी ने अपना डेप्रिसिएशन ओरिजिनल रिटर्न के अंदर क्लेम नहीं किया है और रिवाइज रिटर्न का टाइम निकल चुका है तो फिर भी एपलेट अथॉरिटीज के पास ये पावर है कि एपिलेट अथॉरिटीज एसएससी को उस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट दे वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं केस का नाम है एस कैपिटल आईक्यू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस वन जीरो नाइन आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नॉट फिफ्टी सिक्स पर रिपोर्ट हुआ मैटर हैदराबाद आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट ट्वेंटी सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री को आया थैंक यू फ्रेंड्स